मयूरी फैमिली कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। चाय रखी हुई है, पराठे मैं बनाने लगी हूँ। और अगर मैं आपको बाहर का मंज़र दिखाऊँ तो बाहर कुछ इस तरह का मंज़र है, ये देखें आप। मतलब बहुत मौसम जोन सा है ना, से बारिश का बना हुआ है। और अभी सिस्टर के लिए जूस बनाया था बनाना का, तो वो छिलके इधर पड़े हैं, उठाए ही नहीं है। और अभी फटोफट से मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। फ्रिज की सफाई कर रही हूँ मैं, इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी, सारी मैंने साफ़ कर दी है। इसके अलावा ये वाली जगह भी मैंने साफ़ कर दी है, बस अभी यहाँ से साफ़ करना है। और नीचे वाला अगर देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, इसको भी मैंने साफ़ करना है। तो अभी फटोफट से फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, फिर जो भी इस दिन की रूटीन ये आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, सारे खाली करके तो मैंने साफ़ किए हैं, बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था। ये सारी चीज़ें नीचे पड़ी हुई हैं और ये यहाँ से मैंने सारा साफ़ कर दिया है, ऊपर से भी कर दिया, बस जस्ट ये रही है जी। ये सारी चीज़ें मैंने दोबारा से रख दी हैं वापस, ये भी रख दिया। ये वाला जो इसका यहाँ का डब्बा है ना, वो ये दो का तो इधर रखा हुआ है। इसके अलावा ना एक फ़िश पड़ी हुई थी, मसाला लगा हुआ था, तो ये भी मैं फ्राई करके तो खाऊंगी। इसको भी फ़िलहाल रख देती हूँ, सफ़ाई वगैरह कर लूँ, फिर जौन सा खाऊँगी। इसके अलावा ये वाला रूम भी आज सारा साफ़ किया है। ये जौन सा अलमारी है ना, इसको सेल करना है। ये पूरी अलमारी बहुत पुरानी अलमारी है, और ये ड्रेसिंग को भी सेल करना है। बाकी का मैं होम टूर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। अच्छा जी, फ्रिज साफ हो गए, मोहम्मद अंदर रो रहा है। ये डस्टबिन में मैंने रैपर शॉपर लगाना था, ये भी लगा दिए, देखें इसके काम क्या हुआ है। सबर कर जो, मैं आ रही हूँ। कैसा है, उठाओ। इसकी नानो बाहर गई हुई है रूश को इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो इसने पिटना डाला हुआ है कि मुझे उठाओ। एक मिनट उठाती हूँ। ये यहाँ से मैंने सारा साफ कर दिया है। और इसके अलावा ये वाले कपड़े जो उनसे धोने वाले हैं, लेकिन अभी मौसम बड़ा खूबसूरत हुआ है, बारिश का मौसम हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर बारिश का मौसम बना हुआ है। ये एक ट्यूब थी बेंसिलीन, पता नहीं क्या नाम है इसका, ये मुझे डॉक्टर ने दी थी जब मुझे एक्ने की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छी ट्यूब है, लेकिन पता नहीं फ़र्क को नहीं पड़ा इससे मुझे। ये मैं यहाँ रख देती हूँ, मैं आपको बाहर से मौसम दिखाती हूँ बाहर का। ये देखें जी, क्या खूबसूरत मौसम है। ये देखें, बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। ये देखें गली में, आपको पानी तो दिख गया होगा, पता नहीं वो क्या फेंका हुआ इन्हें। चलें मैं मोहम्मद को देखती हूँ ज़रा, टाइम है अभी, बैठे हुए मोहम्मद को। इधर देखो, इधर, हेलो हेलो भाई। बहुत बारिश हो रही है और रूश वो खड़ी हुई है। इधर आओ मेरा बच्चा, उधर लाओ, इधर आओ मेरे पास, आओ। आ रही है मेरे पास कनोला, इसको भी लगा हुआ है। आज शाम को एक लगना है इंजेक्शन, और एक कल लगे, और एक कल शाम को लगेगा, मतलब छः लगने हैं, तीन दिन लगने हैं। इधर आओ ना, आ जाओ आ जाओ। कमज़ोर होगी है, बीमार हुई है ना अचानक से, तो कमज़ोर होगी है, कोई पता भी नहीं चला। जी जी जी, बैठो भाई के पास, बैठे भाई के पास। मतलब अभी उस तरह से रिकवर नहीं हुई है, ऐसे गिरती जाती है अभी, जिनसे ना ठीक नहीं हुई है। बस आप लोग सब दुआ करिएगा, जल्दी से जल्दी मेरी बेटी ठीक हो जाए जी। अरूश की नानो भी बाहर गई हुई थी, और अरूश मोहम्मद के लिए शॉपिंग थोड़ी सी करके लाएंगे। अरूश की ही हैं सारी चीज़ें, अरूश को बीमार होने का फ़ायदा हो गया। सबसे पहले ये है जी कैप शॉल, बड़ी प्यारी, कलर भी इसका बहुत प्यारा है, और ये बहुत ही खूबसूरत है। इसकी कैप भी है, ये इस तरह की कुछ कैप है, कुछ इस तरह की बनी हुई। यहाँ पर इसके बटन लगे, यहाँ से बाजू आती हैं, और ये अरूश को पहनाऊँगी। इसको पहनाई भी है, बड़ी प्यारी लग रही थी। जब पहनाऊँगी ना आप लोगों को दिखाऊँगी। इसके बाद है जी ये अरूश की स्वेटर, ये स्वेटर, ये भी अरूश की स्वेटर है, बड़ी प्यारी सी बनी हुई है। ये देखें, कलर भी बहुत प्यारा है। इसके अलावा ये एक कोट है इसका, ये इस तरह का कोट है, बड़ा प्यारा था, बहुत ही अंदर से गर्म है। इसकी पॉकेट्स भी हैं, और ये इस तरह का है, और आई थिंक ब्लू कलर में है, इसका ब्लू कलर है, डार्क ब्लू, और ऊपर इस पर जो प्रिंट हुआ है वो रेड और ग्रीन में हुआ हुआ है। इसके बाद ये वाली स्वेटर, ये भी है अरूश की, सारी स्वेटर सब कुछ अरूश के लिए आया है। ये देखें, ये बड़ा प्यारी सी बनी हुई है, ये ब्राउन से कलर की है। इसकी पेंटें जीन्स की काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं, तो वो इसके साथ मैं ना दूंगी, लेकिन इसके साथ गर्म पजामे भी हैं। ये है जी मोहम्मद की पेंट,
इसको ना एक ब्लैक कलर की पैंट लेकर दी थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। ये भी उसी तरह से टाइट सी पैंट है, पता नहीं स्किन सा कलर है इसका। इसके अलावा अरूश के ये हैं जी ट्राउज़र हैं ये देखें, एक ये ब्राउन कलर का है, बहुत ही अंदर से गर्म है, एक ब्राउन कलर का है, और एक है ये मेहरून कलर का। ये जो मेहरून कलर का है ये तो मैं इस कोट के साथ में नहाऊंगी, इसको ये वाले कोट के साथ, इसके साथ। और जो ये ब्राउन कलर का है वो इस स्वेटर के साथ भी पहना सकते हैं, इस स्वेटर के साथ, मतलब ब्राउन कलर हर किसी के साथ चल जाता है। तो ये थी अरूश की शॉपिंग, अरूश और मोहम्मद की भी मैं वापस डाल देती हूँ सारे। कीमा मटर रेडी हो चुके हैं, साथ में साग है, मेरी सिस्टर साग खा रही है क्योंकि उसको कीमा मटर पसंद, और साथ में सैलड बन रहा है, रोटियाँ बनी हुई हैं, और अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं। साथ में जो उनसा है मैच लगा हुआ है वो देख रहे हैं जी। मैं चाय पी रही हूँ, और साथ में मुझे कंप्यूटर पर थोड़ा सा काम था अपने आईडी का, तो वो भी साथ कर रही हूँ, साथ साथ चाय पी रही हूँ। इसके अलावा टाइम अगर मैं आपको बताऊँ तो टाइम हो गया है 3:51। ये सिस्टर मेरी फ़िश ना मेरे लिए फ्राई करके ले आई, ऊपर थोड़ा सा मसाला मैंने इसके ऊपर छिड़का है, और साथ में मैंने एक मूवी लगाई हुई है, इश्क मूवी, बहुत पुरानी मूवी है, दिल कर रहा था देखने का। अल्हम्दुलिल्लाह अरूश आज काफ़ी बेहतर है, और मूँगफली खा लिए, गाल है मेरा पुत्र। हैं इधर देखो, इधर नहीं देखना आपने, हाला साथ बैठी हुई है, सो ये जनसा है ना मूँगफली खा रही है, खुद छील छील के खा रही है। और ना साथ में ना हम क्या कर रहे हैं, ये ना ड्रामा था, चीख ड्रामा था इसका, हम लास्ट एपिसोड, हमने कहा इसका लास्ट एपिसोड देखते हैं, फिर इसके बाद एक दो ड्रामों का लास्ट एपिसोड देखेंगे, बड़े मज़े मज़े के हुए थे। और अरूश मेरी खा रही है मूँगफली, देखें जी मोहम्मद को क्या कह रहा है वो मिठू, जो मिठू है ना उधर पिंजरे के अंदर, तो उसको देखा है हाथ उधर लगा रहा है, और मिठू भी आगे आया हुआ उसको चक्की मारने के लिए। मोहम्मद ओए ओए जोनियो बबलू। जी मैं उस दिन जो बता रही थी ना आपको पर्दे सही करने थे, वो यहाँ पे लगाने थे, यहाँ के जो उनसे पर्दे काफी खराब हो गए थे, मेरे रूम में ना हमने ना नए पर्दे लगवाए हैं, तो वो बोले मैंने यहाँ पर लगा लिए, इनको थोड़ा सा छोटा किया क्योंकि इनकी जो हाइट है ना वो कम है, लेंथ इनकी कम है, और जो दूसरे हैं वो तो ऊपर तक लगे हुए हैं, जहाँ पर ये वाला लगा हुआ इतना मैंने कम किया है तब जाके ये लगे हैं। ये देखें बड़े प्यारे लग रहे हैं, रूम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमने इसी वाला टेबल रख लिया, इसके अलावा ये वाली अलमारी जो उनसे आज सेल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, और ये वाला ड्रेसिंग भी सेल हो जाएगा, ये वाला दोनों चीज़ें सेल करनी है, और यहाँ पर इंशाल्लाह ताला सोफे हम लोग ला कर रखेंगे इंशाल्लाह। और ना मेरे बच्चों का एक झूला यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वाला झूला ही बड़ा प्यारा है, इसके ऊपर मच्छरदानी भी है, यहाँ पर वो उतारी भी हम लोगों ने, तो एक वहाँ पर मेरे पास है। अच्छा जी ये मेरा बैग मैंने पैक कर लिया है, इसके अलावा एक ये वाला है, ये भी फिल होना बाकी है, कल के दिन मैं पूरा वीडियो नहीं बना सकी हूँ, और अभी मैं अपने घर जाने लगी हूँ, और इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये देखें ये कपड़े सारे रूश और मोहम्मद की अम्मी ने धो दिए हैं, अभी ये सूखे नहीं हैं, लेकिन मैं इनको जो सा एक शॉपर में अलग से डाल लेती हूँ। चलें जी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।